अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बाबा प्लीज हमें बचा लीजिए, एक बुरी आत्मा है जो हमें बहुत तंग कर रही है, हमसे हमारे घर के कागज छीनना चाहती है। तुम्हारा घर नहीं, हमारा घर, जो तुम्हारे भाइयों ने धोखे से हड़प लिया। और मैं किसी भी हाल में ये घर हासिल करके रहूंगा, और इन बाबा बाबा से कुछ डरता नहीं मैं। क्या कर रहे हो तुम? कितने मूर्ख हो तुम लोग। यहाँ घर में आत्मा का आतंक है और तुम लोगों को कागज कागज की पड़ी है। तुम दोनों यहां आओ, उस टेबल को खींच कर लाओ। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? अब ये कागज शीशे की बरनी में बंद रहेगा, और अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो क्या बाबा जी? तो इसी तरह जलकर राख हो जाएगा। बहुत परेशान हो ना तुम लोग इस आत्मा से। अब देखते हैं कि वो इस कागज को कैसे हाथ लगाती है। शक्तिशाली लग रहा है, अब वो अपने घर के पेपर से वापस कैसे लेंगे? बहुत अच्छा किया बाबा आपने, अब कम से कम उस बुरी आत्मा से तो छुटकारा मिलेगा। दिव्यम बेटा, ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। और अगर इन्हें सच में पता चल गया ना कि भूत भूत कुछ नहीं है, ये सब नाटक है, तो ये कराए फिर पानी फिर जाएगा, तो हमें पेपर्स कैसे मिलेंगे? अब सही कह रहे हैं पापा, राधिका जिंदा है ये बात हम इस बाबा को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे सकते। पता नहीं हमें क्यों इस घर में किसी भी आत्मा के होने का आभास नहीं हो रहा है। बाबा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके कदम पड़ते ही वो बुरी आत्मा भाग गई हो? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो आत्मा बहुत चतुर हो और किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अंदर छुप गई हो, ताकि हम उसे पकड़ ना सके, अपने वश में ना कर सके। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी इंसान के अंदर, बाबा जी कुछ कीजिए ना। हाँ बाबा, ऐसी आत्मा बहुत चतुर होती है, लेकिन वो हमसे चतुराई नहीं कर सकती। इस घर में आत्मा का वास है या नहीं, इसे पता करने का बस एक ही तरीका है। इस पवित्र मटकी में पवित्र जल है जो आज हम इस घर में लटकाएंगे। अगर इस मटकी का पानी कल सुबह तक नाली के पानी जैसा काला हो गया,
तो सच में इस घर में काली शक्ति का वास है, वरना ये सब तुम लोगों का वहम है। नाना बाबा, वहम ना से इस घर में सच में आत्मा से, हाँ पर वो काला ना से, वो थोड़ी गोरी से, ढेर सारा मोटी से। हाँ खामोश, कल तक सच सबके सामने आ ही जाएगा। बाबा जी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो हो सकता है माता की कृपा से वो आत्मा अपने आप ही चली जाए, है ना? हाँ, जा सकती है। नवरात्रि में माता की शक्तियाँ जागृत होती हैं, और माता की शक्तियों के साथ काली शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। तुम लोग नवरात्रि मनाओ, मैं आज रात यहाँ बैठकर इस मटकी के पास ध्यान लगाऊंगा। अब जब तक बाबा है, राधिका का भूत कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक बाबा है, तब तक घर के पेपर्स मिलना मुश्किल लग रहा है। बाबा, हम पानी पीकर आते। चल चल चल, जल्दी चल। बस कुछ ही घंटों में नवरात्र शुरू हो जाए और काली शक्तियां जागरूक हो जाएंगी। अगर इस घर में कोई काली शक्ति है तो उसे मैं अपने वश में कर बरसों पुराना अपना मकसद पूरा करूंगा। और अगर कोई काली शक्ति नहीं तो भी मैं वो काम करके ही रहूंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया। ओम फट स्वाहा। सॉरी 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 रघुवंशी, वो गलती से गिर गया। राधिका, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं अंदर आते हुए? नहीं। रघुवंशी, घर में तो कोई आत्मा ही नहीं है, सिर्फ मटकी का पानी काला कैसे होगा? कल सुबह होते ही ना बाबा को सब कुछ पता चल जाएगा। ये सब एक नाटक था क्योंकि घर में कोई भूत नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर बाबा को पता चल गया कि इस घर में कोई आत्मा नहीं है तो रानी और उसके भाइयों को लगेगा कि देवरानी जी जिंदा है, और ये हम सबके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, सही कहा। इसलिए हमें कुछ भी करके उस मटके के पानी को काला करना होगा, या तो किसी काले रंग से या फिर काली स्याही से उसे काला करना होगा। अगर वो नहीं हुआ ना तो हम फंसेंगे, और बहुत बुरे फंसेंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री,
और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।